आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे अध्ययन का विषय है प्रथम विश्वयुद्ध के क्या कारण थे। प्रथम विश्वयुद्ध के अनेक कारण थे, इनमें प्रमुख निम्नानुसार हैं। पहला, गुप्त संधियां। जर्मनी के सम्राट केसर विलियम द्वितीय ने गुटबंदियों को प्रोत्साहन दिया। एडवर्ड्स के अनुसार बिस्मार्क की मृत्यु के बाद उसकी त्रिपक्षीय संधि का विरोध त्रिगुट मैत्री संधि ने किया और अंत में इन दोनों पक्षों के साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। सेकंड पॉइंट, सैन्यवाद। केसर विलियम द्वितीय के काल में इंग्लैंड और जर्मनी में नाविक शक्ति के परस्पर विस्तार ने प्रतियोगिता अपनी चरम सीमा पर पहुंचा दी थी। सैन्यवाद के इस विकास ने यूरोपीय राज्यों की जनता में एक उत्तेजना पैदा कर दी थी और जनता के आंदोलनों से प्रभावित होकर यूरोपीय शासकों ने सैन्य राष्ट्रीय नीति का अनुसरण करना शुरू कर दिया था। थर्ड पॉइंट है आर्थिक साम्राज्यवाद। जब जर्मनी ने इंग्लैंड की मंडियों पर अधिकार करना चाहा, तब दोनों देशों के संबंध कटु हो गए। इसी प्रकार ब्रिटेन अपने उपनिवेश संरक्षित राज्य प्रभाव क्षेत्र तथा मंडियां जर्मनी को पसंद करने के लिए नहीं छोड़ना चाहता था और जर्मनी ने किसी भी मूल्य पर प्राप्त करना चाहता था, इसलिए युद्ध अनिवार्य हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट, उग्र राष्ट्रीयता। सर्बिया में कट्टर देशभक्ति की भावना थी, जिसके कारण ऑस्ट्रिया हंगरी में आपसी कटुता बढ़ गई। इस घृणा के कारण ही 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी के राज्य उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक ऑफ फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, केसर विलियम द्वितीय का चरित्र। विलियम द्वितीय बहुत ही उद्दंड और क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति था। उसका विचार था कि इंग्लैंड उसकी सभी बातों को स्वीकार कर लेगा और उससे युद्ध नहीं करेगा, पर वास्तविकता यह थी कि अंग्रेजी राष्ट्रों के चरित्र के विषय में वह भ्रम में था। नेक्स्ट पॉइंट, बोस्निया और हर्जेगोविना की समस्या। 1908 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने
बर्लिन कांग्रेस के निर्णय की अवहेलना करते हुए बोस्निया और हर्जेगोविना को ऑस्ट्रियन साम्राज्य का अंग बना लिया। सर्बिया के इस कार्य का सर्बिया ने ऑस्ट्रिया के इस कार्य का विरोध किया। इससे ऑस्ट्रिया और सर्बिया के संबंधों में कटुता उत्पन्न हो गई, जो आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करने वाली व्यवस्था का अभाव। अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अभाव में किसी भी देश पर कोई अंकुश नहीं था। सभी देश अपनी इच्छा अनुसार उचित या अनुचित कार्य करने के लिए स्वतंत्र थे। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्वी समस्या। रूस को बाल्कन की राजनीति में बड़ी दिलचस्पी थी। 1908-09 की बोस्निया की समस्या के समय रूस ने सर्बिया की सहायता की थी। स्लाव जाति के हितों की रक्षा की दृष्टि से पहले ही काफ़ी जटिल स्थिति थी, जो अब और भी अधिक भयंकर बन गई थी। ऑस्ट्रिया और जर्मनी के नारे पूर्व की ओर चलो ने स्थिति और भी अधिक भयंकर कर दी थी। नेक्स्ट पॉइंट, युद्ध का तात्कालीन कारण। 28 जून 1914 को रात्रि में बोस्निया की राजधानी सराजीवो में ऑस्ट्रिया के युवराज आर्क ड्यूक फर्डिनेंड तथा उसकी पत्नी की सर्बिया के कुछ आतंकवादियों ने बम फेंक कर हत्या कर दी। ऑस्ट्रिया ने इस हत्याकांड के लिए सर्बिया को दोषी ठहराया और उससे क्षतिपूर्ति मांगी। 23 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर कुछ अपमानजनक शर्तें स्वीकार करने के लिए कहा। उसने 48 घंटे बीतने के बाद ही सर्बिया पर तुरंत आक्रमण कर दिया और 28 जुलाई 1914 ईस्वी को युद्ध की घोषणा हो गई। अगस्त 1914 को जर्मनी ऑस्ट्रिया के पक्ष में आ गया। स्लाव जाति की रक्षा के लिए रूस ने सर्बिया का साथ दिया। 3 अगस्त को फ्रांस ने सर्बिया के पक्ष में युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध का श्री गणेश हो गया। थैंक यू।